हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। मैं भी कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, आज 9th मार्च है, 9th मार्च 2022, और मैंने ये बुक्स फरवरी में ऑर्डर करी थी, 26 फरवरी के अराउंड। तो आज शायद 12th डे है इसका, अप्रॉक्स एग्जैक्टली 12th डे है। आज 12th डे को मेरी ये बुक्स मुझे रिसीव हुई हैं। आप कोई भी पैनिक मत करिएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। रजिस्ट्रेशन भी जिसका अभी तक नहीं अप्रूव हुआ है उसका भी अप्रूव हो जाएगा, और उसके तुरंत बाद एक दो दिन में अगर मेल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप साइट चेक करिएगा, आपको कूपन अवेलेबल हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही हुआ था, मेल नहीं आया CDS का। कोई भी आप डरिएगा नहीं कि आपकी बुक्स नहीं आ रही हैं, कहाँ फंस गई। आपको कंसाइनमेंट नंबर मिला होगा, मैंने आप इसलिए पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे ट्रैक करेंगे अपनी बुक्स को। मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लेना कि अगर आपको ट्रैक करना है तो आप कैसे करोगे। नॉर्मली जैसे ट्रैक करते हैं ट्रैक ऑन से, वैसे ट्रैक नहीं होगा, दूसरे तरीके से होता है, वो वीडियो में है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत डरा हुआ था अपनी बुक्स को लेके। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। हाँ जी, ये वाला स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट में देखिए, यहाँ पे एक प्लेस का नाम लिखा है बहराइच, जो यहाँ मेरे घर से, मतलब मेरी जो सिटी है उससे थोड़ी दूर पे है, मतलब थोड़े 1 किलोमीटर दूर है। मेरा जो कोरियर था वो वहीं पे अटक गया था। 3 मार्च, आप डेट दे सकते हो, 3 मार्च को वो कोरियर रिसीव हो चुका है बहराइच में, और वहाँ से अभी तक नहीं आया इसके हिसाब से। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोरियर आ चुका है, मेरे पास बुक्स आ चुकी हैं आज। ये अपडेट नहीं था, इसलिए मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरा क्यों नहीं आया, लेकिन बुक्स आ चुकी हैं। एंड खुशी भी है और डर भी लग रहा है, क्योंकि अपने क्लासमेट्स जो है मेरे, उनकी बुक्स मैंने देखी थी। जब उनकी बुक्स आ गई थी तो उनको देख के एकदम से डर लग गया था, यार इतनी सारी बुक्स कैसे हो पाएगा। लेकिन फिर सोचा क्यों नहीं होगा, हम ही लोग तो करेंगे, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बुक्स आ चुकी हैं, और चलिए इसको अनपैक करते हैं, बुक्स को अनपैक करते हैं, बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, और देखते हैं कि कितनी बुक्स हैं, कैसी बुक्स हैं, कलर्ड हैं कि ब्लैक एंड प्रिंट है। चलिए लेट्स गो। वो सी ए की जिंदगी और सी ए स्टूडेंट की जिंदगी दोनों का सामने होती है। ओके, सो ये रही बुक्स। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एक साथ मंगा ली थी, तो इनमें से चलिए गेस करिएगा कौन सी ग्रुप 1 है, कौन सी ग्रुप 2 है। वैसे आप गेस करेंगे, मन में कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, लेकिन तब तक आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप 1 कौन सी है, ग्रुप 2 कौन सी है, या फिर ग्रुप 1 कौन सी है, ये ग्रुप 2 कौन सी है। अभी मुझे भी नहीं पता है। चलिए एक एक करके प्यार से इनको निकालते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत कीमती चीज़ें हैं। ओके, सो ओके सर, यू कैन सी, एंड मैम लेट मी शो यू वन मिनट। ओके, सो ये है, पहली बार में निकली, ग्रुप 1 निकली, दैट्स गुड। ओके चलिए ग्रुप 1 हो गई। अब प्यार से बच्चों को भी निकाल लेते हैं। ओके, सो चलिए बॉक्स साइड कर देते हैं। थैंक यू ICAI, थैंक यू कोरियर सर्विस, सारी बुक्स बराबर पहुंचे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। ये है आपकी ग्रुप 2, लेट मी शो यू बोथ द बुक्स, एंड इट्स लाइक 3, 2, 1, बूम, दीज आर द बुक्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो चलिए अनपैक करते हैं दोनों को, ग्रुप 2 को भी साइड करते हैं, ग्रुप 1 की बारी है। ओके, सो लेट्स डू इट विद द ग्रुप 1। सर इसमें ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। सो चलिए कितने प्यार से हम लोग अपने नए फोन, नई टेक्नोलॉजी चीज़ों को निकालते हैं, इतने ही प्यार से हम इन बुक्स को भी निकालेंगे।
ज़्यादा प्यार हो गया, इतना प्यार ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करती। यस ओके सो चलिए सबसे पहले काउंट करते हैं, आपके लिए काउंट करते हैं, अपने लिए काउंट करते हैं कि बुक्स कितनी है ग्रुप वन में, और फिर देखेंगे ग्रुप टू में कितनी है। टोटल तो 25 है, अब देखने की ग्रुप वन में कितनी, ग्रुप टू में कितनी। तो ग्रुप वन में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके सो ग्रुप वन में आपके 13 बुक्स हैं। ओके सो लेट मी गेस, बहुत लोगों के कंफ्यूजन थे कि बुक्स कलर्ड है कि प्रिंट का ब्लैक एंड व्हाइट है प्रिंट उसका। सो अभी मुझे नहीं पता है, बाहर से तो कलर्ड ही है, अंदर से नहीं पता मुझे। तो सबसे पहले आप नाम देख लो, लेट मी शो यू द नेम्स ऑफ द बुक्स। ओके 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 यार बुक्स आती हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है, क्यों सही आप लोग बताना। जब हम लोग छोटे थे हम लोग बुक्स लेने जाते थे तो एक अलग सी फीलिंग रहती थी, यार बुक्स आ रही, बुक्स आने वाली हैं, बुक्स लेने जा रहे हैं। सो आई गॉट द नेम्स ऑफ द बुक्स ऑफ ग्रुप वन, लेट्स टर्न इट अराउंड एंड सी व्हाट आर द नेम्स ऑफ द बुक्स। ओके सो ये है बुक्स के नाम, चलिए अब जल्दी से इनको शॉर्ट कर लेते हैं कौन सी किसकी है, उसके बाद आराम से हम लोग देख लेंगे कि क्या है, कितने मॉड्यूल हैं। Let's turn this around. हाँ जी सो देखिए अभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टैक्सेशन अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेट लॉ। सो लेट मी एक्सप्लेन, इंटरमीडिएट में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप वन में 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर में सबसे पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का। सो ये बुक्स हैं आपकी अकाउंटिंग की, लेट मी शो यू लाइक दिस, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। सो आपको पेपर 1 के लिए 3 मॉड्यूल मिले हैं। सो चलिए इसको यहाँ रखते हैं। फिर आपका आता है पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 जो होता है वो आपका होता है कॉर्पोरेट लॉस का। सो चलिए कॉर्पोरेट लॉस को भी देख लेते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में आपको दो मॉड्यूल मिले हैं, देखते हैं अराउंड। सो कॉर्पोरेट लॉ में दो मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल है आपका ये और एक ही ये। सो कॉर्पोरेट लॉ पेपर 2 आपको दो मॉड्यूल मिले हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपको दो मॉड्यूल मिले हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। बाहर से तो प्यारे लग रहे हैं, अंदर से देखते हैं। सो ये आपका मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 ऑफ पेपर नंबर 3 एंड लास्ट पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 जो कि बेसिकली आपका टैक्सेशन का पेपर होता है। सो टैक्सेशन के पेपर में दो आपका उसमें डिवाइड है, सब डिवीजन है दो पार्ट में। पहला डिवीजन आपका होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ में आपको 3 मॉड्यूल मिले हैं, 1, 2, 3। ओके सो आपका ये टैक्सेशन पेपर 4 का सब डिवीजन जो 60 मार्क्स का पेपर होता है टैक्सेशन का, इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 1, वो आपका उसमें आपको 3 मॉड्यूल मिले हैं। और जो पेपर नंबर 4 सेक्शन बी जो कि होता है इनडायरेक्ट टैक्स में भी आपको 2 मॉड्यूल मिले हैं। सो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स में आपको 3 मॉड्यूल मिले हैं और आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आपको 2 मॉड्यूल मिले हैं। इन टोटल अगर टैक्सेशन की बात करूं तो आपको 5 मॉड्यूल्स मिली हैं। सो गाइस ये है आपकी बुक्स ग्रुप 1। वन मोर थिंग, आपको एक बुक ये मिलती है, आप देख सकते होंगे अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, ये आपको पेपर नंबर 1 के साथ मिली है। सो नाउ इन टोटल देयर आर 13 बुक्स इन ग्रुप 1। सो गाइस चलिए इसको टाइप करते हैं और अब अपनी बारी आती है ग्रुप 2 की बुक्स को अनपैक करने की। ओके गाइस सो ग्रुप 1 की बुक्स को मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की बुक्स की। तो पेपर नंबर 4 तक आपका ग्रुप 1 में है, पेपर 5, 6, 7 तक 8 आपका ग्रुप 2 में है। सो चलिए ओपन करते हैं इसको भी और देखते हैं कि कितनी कितनी बुक्स दी गई हैं, कैसे कैसे बुक्स हैं। ओके यस गॉट इट, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, आराम से करेंगे ओपन, आराम से देखेंगे आप भी और मैं भी, क्योंकि नई बुक्स का जो फील होता है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था जब हम लोग पुराने मतलब बचपन के टाइम में जब जाते थे बुक्स लेने स्कूल के पास से या किसी शॉप से, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमको एक अलग ही
फीलिंग आती थी यार नई बुक्स आ रही है, तो आज भी वही फीलिंग्स है। हाँ कोर्स टफ है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं। सो चलिए जल्दी से इसको अनपैक कर लेते हैं। सो ओके, सो मैंने पूरा पूरा पेपर ऐसे निकाल लिया, ग्रुप वन में भी ऐसे करा था, ग्रुप टू में भी ऐसे कर लिया। चलिए बुक्स मिला लेते हैं जल्दी से। ओके गाइस, सो जस्ट एक मिनट दीजिए, इसको टर्न कर दूं आप लोगों के लिए। यस, सो दीज आर द बुक्स ऑफ ग्रुप टू। सो लेट्स काउंट दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 उसमें 12 उसमें टोटल हो गई 25। सो मैंने पहले कहा था 25 बुक्स आएंगी, तो इसी बहाने आपका क्रॉस चेक हो गया कि आपकी सारी बुक्स अवेलेबल है इसमें नहीं है। सो चलिए अभी क्या करके इनको भी शॉर्ट कर लेते हैं जल्दी से। ओके गाइस, सो ये आपकी बुक्स हो गई शॉर्ट। सो चलिए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। पेपर नंबर फाइव होता है आपका एडवांस अकाउंटिंग। सो एडवांस अकाउंटिंग में आपको तीन मॉड्यूल मिले हैं, मॉड्यूल नंबर वन, मॉड्यूल नंबर टू एंड मॉड्यूल थ्री। और इसके साथ आपको अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, जैसे आपको अकाउंटिंग पेपर नंबर वन में अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स मिली थी, वैसे ही पेपर नंबर फाइव के साथ आपको अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट मिली है। सो इन टोटल आपके पेपर नंबर फाइव में फोर बुक्स हैं। चलिए पेपर नंबर सिक्स जो है उसको देखते हैं। पेपर नंबर सिक्स है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में आपको दो मॉड्यूल मिले हैं, मॉड्यूल नंबर वन एंड मॉड्यूल नंबर टू। एंड जैसे आपको अकाउंट्स के साथ प्रोनाउंसमेंट मिला था, वैसे ही आपको ऑडिटिंग के साथ भी प्रोनाउंसमेंट मिला है। सो इन टोटल तीन बुक मिले हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के लिए पेपर नंबर सिक्स। पेपर नंबर सिक्स के बाद आता है पेपर नंबर सेवन। चलिए देखते हैं, तो पेपर नंबर सेवन ए एंड सेवन बी आप देख सकते हैं। सेवन ए एंड सेवन बी, सेवन ए आपका इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दीज टू बुक्स आर देयर फॉर पेपर नंबर सेवन, दैट इज सेवन ए इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड पेपर नंबर सेवन बी दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो आपको दो बुक्स मिली हैं। और लास्ट पेपर नंबर एट में आपको थ्री बुक्स मिली हैं, मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, सॉरी। सो दिस इज पेपर नंबर एट ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल नंबर वन एंड मॉड्यूल टू। पेपर नंबर एट ए के लिए आपको दो मॉड्यूल मिली हैं, मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और पेपर नंबर एट बी जो कि इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसके लिए आपको एक ही मॉड्यूल मिली है। सो इन टोटल आपके पास 25 बुक्स आती हैं। 13 बुक्स आपकी होती हैं ग्रुप वन की, और ग्रुप टू की आपकी बुक्स होती हैं 12। इन टोटल 25 बुक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। हाँ या एट लास्ट मैं आपको बता दूंगी प्रिंटेड है कि कलर्ड है, वो मैं प्रिंट इसका कैसा है, कलर्ड है कि ब्लैक एंड वाइट है। सो एज यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे सीए करते करते अपनी जिंदगी और बुक्स दोनों ब्लैक एंड वाइट है। ऐसे ही भी हम लोगों को टाइम टाइम पे एहसास दिला देता है कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ चेयरिंग और कलरफुल अभी अभी नहीं है, आगे होगा वो तो गारंटी है, लेकिन अभी नहीं है, अभी हमको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसलिए जिंदगी और किताबें दोनों ब्लैक एंड वाइट। सो आप कोई भी बुक देख लो, चाहे आप प्रोनाउंसमेंट की देख लो, प्रोनाउंसमेंट में भी आपको ब्लैक एंड वाइट ही मिलेगा, चाहे वो ग्रुप टू हो या फिर ग्रुप वन। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो यही आपके बुक्स, आई होप आपको बुक्स मिल गई होंगी, और नहीं मिली होंगी तो जल्दी मिल जाएंगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है नवंबर 2022 के लिए। एंड वन मोर थिंग, बहुत से कमेंट आएंगे और बहुत लोग पूछेंगे कि कितने दिन में बुक्स आई। सो अराउंड मेरी बुक्स आने में मैंने 26th of February 2022 को ऑर्डर करी थी बुक्स, और आज है 9th March। सो आप देख सकते हो 26, 27, 28 तीन दिन उधर, एंड 9th डे को बुक आई, मतलब 12th डे को बुक आई, मतलब मेरे बुक्स को आने में 11 डेज लग गए। सो आई होप आपको पसंद आए। सो वंस अगेन प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।